विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों के सचिव रोहित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, रविवार यानी 4 जुलाई 2021 को लोकल सेल तापीन साउथ चलाने को लेकर पूर्व से गठित 8 हाई पावर कमेटी और ग्रामीणों के साथ होने वाली बैठक में लोकल सेल की विधि व्यवस्था बहाल करने को लेकर बहेरा के ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डंप में होने वाले विवादों को सुलझाने को लेकर प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बताया कि 8 हाई पावर कमेटी विधि व्यवस्था बनाने को लेकर नहीं बैठती है तो ग्रामीण लोकल सेल खुद चलाने की बात कहेंगे। आज हम बहेरा पंचायत के विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि बहेरा पंचायत के आम ग्रामीणों के बीच यह तय किया गया है कि दिनांक 4/7/2021 दिन रविवार को तापीन साउथ नेहरू स्टेडियम में समय सुबह 11 बजे बहेरा पंचायत के विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीण और पूर्व से गठित 8 हाई पावर कमेटी के बीच निर्णायक बैठक तय की गई है। इस बैठक में तापीन साउथ डंप बार बार विवादों में घिरा रहता है। आज तापीन साउथ लोकल सेल खुले हुए 11 महीना हो गया है, लेकिन आज तक हाई पावर कमेटी के द्वारा ना तो कोई कमेटी का विस्तार किया गया है और ना किसी विधि व्यवस्था को बहाल किया गया है, जिसके कारण बहेरा पंचायत के ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इस होने वाली बैठक में 8 हाई पावर कमेटी बार बार होने वाली समस्याओं का समाधान करे, ताकि बहेरा पंचायत में फिर से पूर्व के भांति शांति और अमन बनी रहे, जिससे इस महामारी काल में क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो सके और यहाँ के मजदूरों को समय पर उचित मजदूरी मिल सके। धन्यवाद। चरही से स्वदेशवाणी के लिए नितेश कुमार माली की रिपोर्ट। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।